आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ना दोषारोपण का समय है। इसमें सभी को मिलजुल कर समन्वय स्थापित करके प्रयत्न करने चाहिए, लोगों की कैसे इस फ्लड के समय में मदद की जाए, कैसे बचाया जाए प्रभावित क्षेत्रों को, कैसे बचाया जाए, राहत पहुंचाई जाए प्रभावित लोगों के पास। हरियाणा में खास तौर पर मैं कहूंगा कि ये जो फ्लड है केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, कहीं ना कहीं ये मैन मेड भी है, क्योंकि ना इस साल फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक की गई थी मुख्यमंत्री जी द्वारा, ना ही कोई बजट आवंटित किया गया। नहीं तो हर साल नालों की सफाई के लिए, ड्रेन के कंस्ट्रक्शन के लिए, नहरों की, नदियों की एम्बैंकमेंट के लिए हर साल बजट आवंटित किया जाता था फ्लड कंट्रोल के लिए, मॉनसून से पहले। पहला वर्ष नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल फिर भी जिम्मेदार विपक्ष की तरह मैं दोषारोपण की राजनीति समय नहीं हम करना चाहते। हम भी लोगों तक पहुंच के प्रयास कर रहे हैं मदद करने की, सरकारें भी करें, मगर सरकारें समन्वय भी स्थापित करें। देश की सरकार कहाँ है, प्रधानमंत्री जी तो बाहर हैं, आपस में मुख्यमंत्री, आखिर में सरकारें एक दूसरे पर दोष और आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, तो उसमें जो हमारी देश की सरकार की जो जिम्मेदारी बननी चाहिए थी, कौन देश की सरकार से आके उनमें समन्वय स्थापित कराने का प्रयत्न कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये समय देश को अपने हालात पर छोड़ने का नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि देश की सरकार ने देश को, उत्तर भारत को उसके हालात पर छोड़ने का निर्णय ले लिया है। मौजूदा सरकार ने जो अब तक बाढ़ के लिए काम किया, क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं है उनके कार्य? नहीं, बिल्कुल, हरियाणा में तो जो इनका रवैया रहा है वो बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण नहीं रहा है। कोई तैयारी नहीं गई मानसून सीजन में इस बार, यहाँ तक कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड हरियाणा में जो इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, हर वर्ष बैठक होती है और जनवरी फरवरी में बैठक होती है, और उस मानसून की पहले से तैयारी के लिए नालों की सफाई का बजट मिलता है, नदियों की एम्बैंकमेंट यानी कि उनके किनारों को पक्का करने का और उनको मजबूत करने का उसका बजट आवंटित किया जाता है, हर वर्ष किया ये। लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री जी ने वो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक तक नहीं ली, ना कोई बजट आवंटित किया गया। जो सांसद और विधायक जो अब जाग रहे हैं, जनप्रतिनिधि, उन लोगों ने कोई इस बात को कि कोई सुध नहीं ली, तो कहीं ना कहीं ये जो आपदा हरियाणा में प्रकृति के साथ साथ मैनमेड आपदा भी है, लेकिन फिर भी अभी कोई ज़्यादा कटु दोषारोपण का समय नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, जो है अब, मगर सरकार और प्रशासन प्रदेश में बहुत जो जिले जो हैं बाढ़ प्रग्रस्त लोगों तक पहुँचें, हम लोग भी पहुँच रहे हैं अपने अपने स्तर पे, सभी साथी भी पहुँचें, सभी हमारे कार्यकर्ता भी पहुँचें, उन सभी मैं अपील करना चाहता हूँ। और इस समय लोगों की मदद की तरफ एक लक्ष्य बनाकर सब समन्वय से एकजुटता से काम करें। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, हाल ही में हमने देखा था राहुल गांधी खेतों पर नजर आए, बीजेपी उन पर आक्रामक हुई, कहा कि अगर चुनाव लड़ना है तो आप हरियाणा से लड़ लीजिए, एक सीट खाली है। उन्होंने किसानों के साथ कुछ वादा किया था, उसको भी आज पूरा किया, कैसे देखते हैं इस वादे को और बीजेपी के हमले को? देखिए, भाजपा की तिलमिलाहट राहुल जी की सक्रियता देख के स्वाभाविक है। राहुल जी एक सच्चे जनसेवक जननेता हैं जो लोगों के बीच में पहुंचते हैं, और इसमें हमें खुशी है कि वो आकस्मिक रूप से हरियाणा में खेत में रुके, जहां पर उन्होंने ना सिर्फ ट्रैक्टर चलाया लेकिन वहां पर उन्होंने पौध लगाने का भी काम किया। और इस बात की भी मुझे जो है खुशी है कि उस दिन राहुल जी ने कहा कि उनको आमंत्रित किया कि आपको मैं भोजन पर बुलाऊंगा अपने घर, और एक हफ्ते के अंदर आज वो पूरा जो उस खेत में जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो महिलाएं थी, उन सभी को आज राहुल जी ने अपना आमंत्रित किया, उनके निमंत्रण पे आज उनके घर पे उनको उनका राहुल जी ने भोजन के लिए, और जिसमें केवल राहुल जी नहीं, सोनिया जी भी और प्रियंका जी भी और एक परिवार की तरह पूरा सबको खाना एक हफ्ते के अंदर जो कह के गए थे, तो कितना इस बात में ये पता चलता है कि राहुल जी अपनी बात के कितने पक्के हैं। तो ये भी मैं धन्यवाद करता हूँ उनका।